शर्मा नाम का लड़का है जो उड़ुआ बाजार का रहने वाला है, वो प्रतिदिन जो है जैसे भी ये सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, प्रतिदिन जैसे विद्यालय जाता है वैसे जा रहा था वो, तो रास्ते में दो बाइक सवार जो अपने आप को पुलिस वाले बता करके, तो पुलिस वाले थे भी सब प्रकाश और एक का नाम राकेश कुमार, दोनों लोगों ने कहा आपको बाइक चुराने की जो है बाइक बोलेरो आप चुराए हो और चलो थाने, उसको बैठा के थाने न ले जा करके वो अपने पुराने थाने आवास पर ले गए, वहाँ उसको लगभग दो तीन भर टार्चर किए, तीन भर टार्चर करने के बाद वो कहे कि पैसा दो तो तुम्हारा मैनेज हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारे धर्म सेक्ट के तहत जेल भेज दिया जाएगा। तो लड़का कहा सर हम तो स्टूडेंट हैं, तो लड़के का पूरा पासबुक वगैरह जो है वो पर्स वगैरह निकाल लिए, ए टी एम मिला, ए टी एम के दौरान जो है ए टी एम कोड लोग उनसे पूछना चाहे, ए टी एम कोड लड़का बताया, जाके उसको ज़बरदस्ती लोग बाहर पकड़ के बैठे हुए थे, और जाके राकेश कुमार या सत्य प्रकाश शर्मा इन दोनों लोगों में से एक व्यक्ति ने ए टी एम से पैसा निकाला, इनसे कोड पूछ करके 40,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद 1,00,000 रुपये के लिए लोग दबाव बनाए, तो लड़का रोते गाते अपने चाचा उचा से मांग के 1,00,000 रुपया और दिया। इसकी शिकायत आप SSP से किए हैं, SSP ने क्या? SSP महोदय ने तो ऐसे कहा तुम मेरे साथ चलो गाड़ी में बैठ के और 10 स्टूडेंट को उठाता हूँ, 10 के पास अगर 40,000 रुपया निकल जाए, 10,000 रुपया निकल जाए तो फिर बताओ। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है सर, आज के ज़माने में 40,000 रुपया बहुत बड़ी बात नहीं होती है, और 10,000 की बात करते हैं, ATM में हर गार्जियन रखता है अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए पैसा रखता है। SSP का एक भाजपा नेता भाजपा से हमने बताया भी मैं भाजपा का नेता हूँ, लेकिन उन्होंने अमर्यादित शब्दों का कह लीजिए या ठीक है हमसे श्रेष्ठ हैं उम्र में, लेकिन वो मुझे देखे नहीं, फ़ोन पे बात करने का जो लहजा था वो लहजा ठीक नहीं था, तुम काम करके वो बात कर रहे थे, मैं साथ करके बात कर रहा हूँ। तो क्या आप पार्टी स्तर पर इसको प्रदेश स्तर पर तो हम अपने मुखिया से मिल के बात कहेंगे, इस बात को जरूर कहेंगे, आज नहीं कल जरूर कहेंगे मुखिया से, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से कहेंगे कि हम लोग कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए कुछ भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, हर सुख दुख में पार्टी के खड़े रहते हैं और जनता की समस्या के लिए अधिक रहते हैं। मैं इतना ही बता दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ अनुसूचित मोर्चे से, वो भी प्रदेश स्तर का, तो उस समय कम से कम उनको एक सम्मानपूर्वक मुझे नहीं काम किए होते लेकिन सम्मान मुझे दिए होते, ठीक है पासवान जी आप इनसे मिल लीजिए उनसे मिल लीजिए, इन सारी बातों के बावजूद बाद में वो कह रहे हैं कि CEO क्राइम से। दूसरा मामला है पुलिस का गोरखपुर में जिस तरीके से अपहरण के नाम पर वसूली करना है, इसको आप अपने सरकार में कितनी बुलाएंगे? अब ये तो केंद्र और प्रदेश सरकार की लोग ही बता सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ पार्टी के बारे में, पार्टी तो अच्छा काम करना चाहती है, कोई बदनाम करना चाहे तो अलग की बात है। अमरनाथ।